हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के गीतामृत कार्यक्रम में। दिव्य ज्ञान की व्याख्या और ये जो 21वां श्लोक जिसका आज हम चौथा भाग लेंगे, निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म पूर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म पूर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म पूर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अनुवाद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। तो ये हमारे चर्चा के विषय जो हमने लिए थे, निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीर निर्वाह न आपनोति किल विषम, इन मुख्य मुद्दों पर भगवान ने चर्चा की है और हमारे आचार्यों ने इन शब्दों को लेकर इन पर बहुत विस्तार से टीकाएं अपनी लिखी हैं। तो पिछले श्लोक से संबंध, अर्जुन यहाँ पर वो जब भगवान के मुख से पूर्ण ज्ञानी के क्या लक्षण हैं, पूर्ण ज्ञान में स्थित होने के परिणाम क्या हैं, उसके प्रकार क्या हैं इत्यादि इत्यादि जब अर्जुन ने सुने, तो अर्जुन के मन में जो ये संदेह प्रथम अध्याय से चल रहा है कि ये भयावह जो कर्म में मुझे लगना पड़ रहा है, जिसमें मैं अपने स्वयं के सगे संबंधियों को मारने के लिए यहाँ पर तैयार हूँ, और वो भी किस लिए, एक राज्य के लिए। तो अर्जुन यहाँ पर जो संदेह व्यक्त कर रहे हैं इस भयावह पाप कर्म को लेते हुए, तो वो है अर्जुन का इमेज आगे चलकर क्या रहेगा। युद्ध जीत भी लेंगे हम, हस्तिनापुर का राज्य भी प्राप्त कर लेंगे, परंतु उसके पश्चात इमेज क्या रहेगी। तो अर्जुन केवल उस एक रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब के विषय में सोच रहे थे। तो कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो यदि कोई ये कह रहा है कि ये सबसे बड़ा रोग है, क्या कहेंगे, और वो भी चार लोग। कई बार होता क्या है, बहुत लोग होते भी नहीं है, गिने चुने को चार लोग होते हैं, तो सबसे बड़ा रोग बन जाता है क्या कहेंगे वो चार लोग। बाकी सारी दुनिया नहीं, लेकिन वो चार लोग क्या कहेंगे। तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और सबसे बड़ा योग जब भगवान से जुड़ेंगे लोग। और वो है भगवद गीता, जो है सबसे बड़ा योग और हमारे सबसे बड़े रोग को दूर करने वाला। तो निराशी यत चित्तात्मा, सारी आशाओं से जो मुक्त है और जिसने अपने चित्त को जीत लिया है, ऐसा व्यक्ति जिसने अपने चित्त को जीत लिया है, यत चित्तात्मा। तो हम
पिछले हमारे तीन सेटिंग से यत चित्तात्मा शब्द पर फोकस कर रहे हैं। एक है बाह्य रूप से विजय हासिल करना, फतेह हासिल करना, सफलता प्राप्त करना, पब्लिक विक्ट्री जिसको कहते हैं, और एक है प्राइवेट विक्ट्री, हमारे अंदर के रणभूमि में जो युद्ध चलता रहता है, अपने स्वयं का सामना करते हुए हमारे अंदर के शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करना। इनर एनिमीज विल बी वन ओवर बाय इनर वेपन्स, नॉट बाय आउटर वेपन्स। तो क्यों इस मुद्दे पर चर्चा की जा रही है? क्योंकि भगवान अर्जुन के युद्ध कौशल पर शंका नहीं कर रहे थे, उस पर कोई संदेह नहीं था भगवान को, परंतु अब यहाँ पर भगवान को संदेह होने लगा कि वही अर्जुन जिसने अकेले पूरी कुरु सेना पर विजय प्राप्त करी थी, अब बाकी की पूरी सेना मैं होते हुए अर्जुन जो गांडीव को छोड़ दिए हैं और हताश निराश ये अर्जुन, ये धर्म की स्थापना कर पाएगा कि नहीं मेरे लिए? तो इसलिए इसकी चर्चा की शुरुआत जो हमने की, तो आपको याद होगा कि हमने ये मुद्दा लिया था कि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, हमारी जो इच्छाएं हैं उनके ऊपर प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। ये सात कैटेगरीज हमारे इच्छाओं की, और जो षड रिपु बताए गए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार इत्यादि, तो इनके ऊपर आंतरिक अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल करते हुए कैसे विजय प्राप्त करना, इसकी भी चर्चा हमने पिछले दफ़ा की। अब ये जो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि भगवद गीता का सिद्धांत ये नहीं कि हमें हमारी इच्छाओं को मारना है, इच्छाओं का कोई कत्ल नहीं कर सकता, इच्छाएं कभी मर नहीं सकती। यू हैव टू सिलेक्ट नॉट रिजेक्ट योर डिज़ायर्स, यू हैव टू सिलेक्ट योर डिज़ायर्स। इसलिए हम क्या कहते हैं, आध्यात्मिक जीवन सब कुछ छोड़ना नहीं बल्कि भगवान को जोड़ना, और यही भगवान अर्जुन के द्वारा प्रस्थापित किए कि इतना भीषण युद्ध जिसके अंदर इतने कत्ल हुए, खून खराबा हुआ, वो सब कुछ धार्मिक कहलाया गया, उसके बावजूद वो रणभूमि धर्म क्षेत्र कहलाई गई। आज दिन तक कुरुक्षेत्र जो प्रसिद्ध है उस युद्ध के वजह से है। कोई कहेगा कि युद्ध के वजह से कोई भूमि पुण्यवान कैसे हो सकती है, धार्मिक कैसे बन सकती है? इतने कत्ल जहां पर हुए वो भूमि पुण्य भूमि या धार्मिक स्थल कैसे? तो रणभूमि में कोई शक्ति नहीं है, परंतु उस रणभूमि के पहले जब भगवान को जोड़ा गया उस रणभूमि से, क्योंकि अर्जुन ने पहले भी जो युद्ध लड़े उस स्थान को धार्मिक स्थान नहीं बताया गया, परंतु कुरुक्षेत्र को क्यों धर्म क्षेत्र बताया गया है? क्योंकि भगवान से जुड़ा हुआ वो क्षेत्र हो गया और भगवान की वाणी से भगवद गीता वहां पर सुनाई गई। इस वजह से वन शुड फिट वंस डिजायर्स एज पर वंस नीड्स, नॉट द अदर वे राउंड। हमने जूते का उदाहरण लिया था कि जब जूता फिट ना हो तो जूते को बढ़ाना चाहिए, मोची के पास ले जाकर पैर को न काटे। ये हमने उदाहरण लिया था कि जब कोई माँ अपने शिशु को डॉक्टर के पास ले जाती है तो डॉक्टर शिशु को कोई चॉकलेट देकर यहाँ वहाँ की बातें कर उसको व्यस्त कर देता है, परंतु असली बीमारी की और उपचार की इलाज की बात वो माँ से करता है या पिता से, माता पिता से करता है।
तो गुरु हैं वो डॉक्टर, और जो माँ है वो है हमारी बुद्धि, और जो बच्चा है वो है हमारा मन। तो मन उसके इलाज के लिए सारा जो प्रिस्क्रिप्शन है, उपचार की वो जो पर्ची है, वो किसे सुनानी है? बुद्धि को, क्योंकि मन वो बच्चे के समान है। और सुनने के बाद माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर जाने के बाद उस बच्चे को समय पर वो दवा पिलाई जाए, चाहे जितनी भी कड़वी हो। करेक्टिंग विदाउट हर्टिंग, तो हमने ये मुद्दा लिया था, लाइफ में हिट अस बट लाइफ कैन नॉट हर्ट अस अनलेस वी परमिट इट सो डू सो। जब तक हम अनुमति नहीं देते तब तक इस संसार की कोई भी समस्या वो हमें प्रभावित नहीं कर सकती। अंग्रेजी में कहावत है, पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। दर्द जो पीड़ा शारीरिक स्तर पर, वो उससे हम बच नहीं सकते, परंतु शारीरिक पीड़ा से हम अपने आप को कितना मायूस बनाएं और कितना हताश कर लें, ये हम पर निर्भर है। जैसे छोटा बच्चा, थोड़ी सी शारीरिक तकलीफ होती है, रोने लगता है। जैसे ही वो बच्चा बड़ा होता है, शारीरिक तकलीफ और भी बढ़ती जाती है। परंतु क्यों हम लोग जो वयस्क यहां पर इस कमरे में हैं, इस समय भी बहुत सी तकलीफें हो रही होंगी हमें शारीरिक स्तर पर, क्यों रो नहीं रहे बाहर से? हाँ, क्यों फूट फूट के रो नहीं रहे जैसे बच्चा? यहाँ पर अगर कोई बच्चा भी बैठा है, अचानक उसको गर्मी लगने लग जाए, भूख लगने लग जाए, उसको कोई भी शारीरिक तकलीफ हो, कोई उसको मच्छर काट ले, वो बिल्कुल नहीं सोचेगा कि अरे भाई सब लोग शांति से बैठकर प्रवचन सुन रहे हैं, बहुत गुह्य मुद्दा चल रहा है, बड़ों को समझ में नहीं आ रहा है। तो कम से कम मैं तो उनका ध्यान भंग ना करूं रोकर। हाँ, तो क्यों? क्योंकि हमारा विकास वो सपोजिटली हुआ होगा शायद अंदर से। तो इसलिए ये मुद्दा क्यों इतना महत्वपूर्ण है, बार बार भगवद गीता में भगवान ये आंतरिक विजय के ऊपर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, द बैटल विद इन। यहां पर आप देखिए कि ये सब कुछ लिखा हुआ है, हम सब इसका अनुभव कर रहे हैं। जब WHO का स्टेटिस्टिक्स है कि हर साल 10 लाख लोग आत्महत्या करते हैं, कम नहीं है ये आंकड़ा, कम नहीं है 10 लाख लोग आत्महत्या करना, और इन सब के वजह से ये जो लिखा हुआ है एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारी जो चीज़ें हैं, और ये सारी चीज़ें ये हम देखते हैं हम मनुष्यों के अंदर, और वो भी ज़्यादातर पढ़ लिखने के बाद, कुछ एक औधा प्राप्त करने के बाद ये सारी चीज़ें हम अनुभव करते हैं। और होता क्या है, धीरे धीरे अंदर से ये जो शत्रु हैं ये हमें खाने लगते हैं। तो इसलिए जिसको कहते हैं ना टर्माइट इफेक्ट, दीमक लकड़ी को अंदर से खा लेता है, और बाहर से लकड़ी जो है वो इंटैक्ट दिखती है, पता भी नहीं चलता है कि अंदर से एक पूरी लकड़ी खोखली हो चुकी है। इसलिए बाह्य शत्रु से ज्यादा खतरनाक होते हैं अंदर के गद्दार। जब किसी परिवार में बाहर से कितना भी बड़ा बड़ा ताला लगा लो, सिक्योरिटी वॉचमैन को बिठा लो,
सीसीटीवी लगा दो, लेकिन यदि उस परिवार के अंदर वाला ही व्यक्ति कोई चोरी कर रहा है तो वो सबसे खतरनाक चोर है। बाह्य चोर को आसानी से पकड़ा जा सकता है, जब अंदर वाला चोरी करता है तो यहाँ पर क्या भगवान चर्चा कर रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारी समस्या ये जो तुम इनको देख रहे हो ना, ये भीष्म द्रोण इन सबको देखने के पश्चात जो तुम्हारी हालत हो रही है वो बाह्य कारण नहीं है। अर्जुन को लग रहा था ये, परंतु भगवान ये एक एक श्लोक की गहराई में जाकर अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है। तो अब यहां से मेरे ख्याल से पिछले सेटिंग में हम यहां तक आए थे, तो मुद्दा चल रहा है यत चित्तात्मा, विनिंग द इनर बैटल, हमारी अंदर के शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करना, ये मुद्दा चल रहा है। तो अब आज हम एक महत्वपूर्ण इसमें सब टॉपिक लेंगे, इनर बैटल्स, यत चित्तात्मा। इस दृश्य को ध्यान से देखिए, तो यहां पर बहुत से अलग अलग मुद्दे आपको समझ में आए होंगे। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, यदि ये पूछा जाए कि इस रस्सी खींच में कौन जीतेगा, टग ऑफ वॉर जिसको कहते हैं, कौन जीतेगा, हम सब आंख बंद कर भी बोल सकते हैं कि हाँ हाथी जीतेगा। तो गधे को क्या करना चाहिए, यदि हम लोग गधे की जगह होते गधे की जगह होते तो क्या करना चाहिए था। हाँ, तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, चूज योर बैटल्स वाइजली। युद्ध तो लड़ना है, परंतु भगवान ने हमें जो बुद्धि दी है, जो शारीरिक बल से ज्यादा बलवान हमारी बुद्धि है, उसका इस्तेमाल करते हुए हमें किसका चयन करना है, विच बैटल्स टू फाइट, विच बैटल्स टू लेट गो। इसके लिए भी हिम्मत चाहिए, केवल लड़ने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए, उस लड़ाई को नहीं लड़ने के लिए भी हिम्मत चाहिए। उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने एक बार एक यही उदाहरण दिया था कि एक जंगल में स्पर्धा हुई, मान लो कि जंगल ओलंपिक्स, जंगल का ओलंपिक्स हो रहा, तो उसके अंदर जो 100 मीटर स्प्रिंट होता है उसमें हाथी हर बार हार रहा था। ऑब्वियसली हारेगा वो, हाथी इतना भारी भरकम शरीर, हर बार वो हार रहा था, तो वो डिप्रेशन में गया। उसने सोचा मैं वजन अपना कम करूंगा अगले ओलंपिक्स तक, जो अगला जंगल ओलंपिक्स होगा मैं अपना वजन कम करके मैं जीत के बताऊंगा ये रेस। अगले ओलंपिक्स में भी उसका वजन 1.5 किलो कम हुआ, जो भी उसने फास्टिंग डाइटिंग की, क्या हुआ, फिर से हारा। ऐसे वो हर ओलंपिक्स में हाथी हारता गया और वो इतने डिप्रेशन में चला गया कि मैं किसी काम का नहीं हूं, अरे मैं ऐसे छोटे छोटे पिद्दी पिद्दी जानवरों के सामने हार रहा हूं, एक खरगोश के सामने हार गया मैं, क्या है खरगोश मेरे सामने, डिप्रेशन। तो यदि आप इन
जानवरों के मनोवैज्ञानिक होते तो आप क्या बोलते? भाई मेरे, ये तेरे लिए नहीं है, हाँ, ये स्पर्धा तेरे लिए नहीं बनाई गई, तेरे लिए कुछ और स्पर्धा है, वजन उठाने की स्पर्धा, वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग में तू भाग ले, देख खरगोश कहाँ पहुंचता है, क्या उठा पाता है तेरे सामने। जैसे मैं बता रहा था, मेरे ख्याल से एक हमारे रविवार के क्लास में, एक हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर के ब्रह्मचारी, एकदम पतले दुबले, बहुत ही पतले दुबले, इसलिए मैं उसको बहुत ही पतले दुबले बोल रहा हूँ आगे एक सफिक्स लगाकर, प्रीफिक्स लगाकर। तो उन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन में लोकल ट्रेन में एक बंदे को तमाचा मारकर, वो बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल रहा था, चुप कराया। और उनके साथ जो पार्टनर थे वो आकर बोले, अरे क्या आज इन्होंने उसको ऐसा तमाचा मारा, और वो बंदा जो पता नहीं क्या अनशन बोल रहा था, एक तमाचे में चुप। सब लोग भौचक्का रह गए, पूरे बोगी के लोग, पैसेंजर, तो सब लोग इनको देख रहे हैं कि ये इतने पतले दुबले, इन्होंने ऐसी हिम्मत। तो सब लोग वाह वाह हार वगैरह पहना के, महाप्रसाद खिला के, जय हो हरि बोल वगैरह करके निकल लिए। बाद में मैंने अकेले में पूछा, सच सच बताओ, ये सच्ची घटना है? अरे सच्ची घटना, ये देखो विटनेस है, मेरे साथ जो दूसरा ब्रह्मचारी पार्टनर गया था, विटनेस है। नहीं फिर भी हुआ कैसे वो बताओ, सामने वाला बंदा बताओ, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन। अब आप प्रभु जी पूछ ही रहे हैं, तो वो मुझसे भी पतला था। तो क्या किया उन्होंने? ही चोज हिज बैटल वाइजली। हम भी अनुभव करते हैं ना, रोड पर अगर किसी के ऊपर क्रोध आ गया तो पहले साइज देखते हैं उसका, फिर डिक्शनरी बाहर निकालते हैं। तो ये जो मुद्दा है, नॉट ऑल बैटल्स आर टू बी फॉट। हमें सारी जंग लड़ने की जरूरत नहीं है जिंदगी के, बहुत सी जंग आएंगी, बहुत सी जंग हमारे सामने आकर चली भी जाएंगे, और हाँ बहुत सी जंग हमें लड़नी है, हमें ही लड़नी है, और कोई हमारे लिए नहीं लड़ेगा, बट नॉट ऑल द बैटल्स। तो सम बैटल्स यू नीड टू वॉक अवे फ्रॉम इट। जैसे दक्षिण भारत में रंगनाथ जी का मंदिर है, स्वामी रंगनाथ जी भगवान विष्णु का ये बहुत सुंदर रूप है। तो वहाँ की ये घटना पिछले सदी की, जिसके अंदर ये बताया गया था कि एक हाथी, मतलब नर और मादा हाथी, वो रोज सुबह वो जाते थे मंगल आरती के समय रंगनाथ जी की शोभा यात्रा में अपनी पीठ देने के लिए, जहाँ पर उनकी पीठ पर भगवान को बिठाया जाता था, और ऐसे शोभायमान भगवान रखते थे इन हाथी की पीठ पर। तो सज धज कर नहा धोकर ये हाथी निकलते, दोनों पति पत्नी। तो हुआ क्या कि कुछ अरसे पश्चात रास्ते में एक सुअर और सुअर की पत्नी, यहाँ पर हाथी और हाथी की पत्नी, सुअर और सुअर की पत्नी, सुबह के समय 4:30 ब्रह्म मुहूर्त के समय ये सुअर और सुअर की पत्नी गटर में अपने आप को पूरा अभिषेक कराकर ये हाथी को ललकारता, ये सुअर, और हाथी नमस्कार कर बगल से निकल लेता। तो जो हथनी थी उसने अपने पति से पूछा कि ये दो कौड़ी का सुअर, ये उल्टी सीधी बातें बोलता रहता है, और आप, आपका साइज देखो, आप इसको कुछ बोलते हैं क्यों नहीं, ठीक क्यों नहीं करते इसको, पिछले एक महीने से ये पता नहीं क्या क्या खिल्ली उड़ाया जा रहा है। तो उस हाथी ने कहा, हम किसके लिए जा रहे हैं, हम सज धज के
भगवान श्री रंगनाथ जी की मंगल आरती के लिए हम लोग जा रहे हैं, और इस सुअर से यदि मैं लड़ाई शुरू करूं तो मैं हो सकता है कि डेफिनेटली हो सकता नहीं, मैं इस पर विजय प्राप्त करूंगा, परंतु जो गटर का पानी ये अपने ऊपर चढ़ाकर आया है उससे गंदा फाइनली मैं ही होने वाला हूं। तो अपने पत्नी को क्या कहा, नॉट ऑल बैटल्स आर सपोज टू बी फॉट, सम बैटल्स यू हैव टू वॉक अवे, साइड से निकल जाना है कि भाई आप हमसे बड़े, आप हमसे महान। इतना ही नहीं, सम बैटल्स यू हैव टू लूज, जैसे भगवान न करे किसी व्यक्ति को सांप ने डस दिया और उसे पता चल गया सांप ने उसे डसा है, और सांप डसने के पश्चात रेंगते हुए जा रहा है झाड़ियों में। अब ये व्यक्ति क्या करना चाहिए इसे, अगर ये व्यक्ति झाड़ियों में, उसको मैं सबक सिखाता हूँ, मुझे डस के गया, मैंने क्या उसका बिगाड़ा था, तो झाड़ियों में जंगल में जा रहा है वो सांप को पकड़ने के लिए, क्यों, ताकि उसको मैं दंड दूं। इज इट वाइज, क्या वो पकड़ पाएगा, और पकड़ भी लेगा तो उसे करना क्या चाहिए, वो जो समय, वो समय, वो जो जहर ऊपर चढ़ रहा है अपने आप को बचाने के लिए, वो छोड़ो उसको, सेव योरसेल्फ। कोई कुत्ता जब हम पर भौंकता है तो हमें मनुष्य होने के नाते फिर से नहीं भौंकना उस कुत्ते के ऊपर कि ये कुत्ता मुझ पर भौंक रहा है, मैं मनुष्य, पढ़ा लिखा डॉक्टर इंजीनियर, या कोई बोले मैं कुत्तों का डॉक्टर हूं और ये मुझ पर भौंक रहा है, नहीं। तो इसमें यहां पर फोकस किस पर किया गया है कि जैसे जहर ऊपर चढ़ रहा है तो उससे बचो, फोकस ऑन समथिंग हायर टू अचीव रैदर देन विनिंग पेटी वॉर्स और बैटल्स। जैसे कई बार मैंने देखा है कि एयरपोर्ट पर कई लोग बहुत बड़ी बड़ी बैग्स, और होता क्या है कि कई बैग्स जो हैं वो इतना सामान उसमें भरा हुआ होता है, और फ्लाइट वो एक गेट बोर्डिंग गेट पर पहुंचने के लिए यहाँ से वहाँ भागना है, लेट हो गए, तो कई बार होता क्या है कि वो सूटकेस फट जाता है। एक दो बार मैंने देखा और सारा सामान बिखर गया, और आपको फ्लाइट निकलने का टाइम हो रहा है, बोर्डिंग गेट बंद हो जाएगा, सब ये सब कुछ माहौल है। अब उस समय मान लो आपका सूटकेस वो फट गया, सारा सामान गिर गया, क्या करेंगे आप, सूटकेस कंपनी को गाली देंगे बैठकर कि इतना गारंटी दिया था उस सूटकेस कंपनी वालों ने, इतना पैसा भरा था, उस सेल्समैन ने बोला था कि ये सूटकेस जो है 2 साल तक कुछ नहीं होगा, ये वो बैठ के वहाँ पे बोर्डिंग गेट बंद हो रहा है, और ये सब आप सूटकेस कंपनी को गाली देना शुरू, या फिर खुद को कि मैं कितना क्लमजी हूँ, मेरे में अकल ही नहीं है, एक सूटकेस नहीं संभाल पाता हूँ मैं, तो खुद के ऊपर गाली देना, खुद को गाली देना, या फिर जिसने उतना सामान उसके अंदर भरा है उसको गाली देना, अरे 1 हफ्ते के लिए जा रहे हैं कि घर छोड़ के जा रहे हैं, पूरा घर इसके अंदर ठूस ठूस के डाल रखा है। तो बैठकर ये सारी चीजें करते रहोगे या फोकस किस पे करोगे, ये अभी जरूरी नहीं है ये सबको कोसना,
वो गेट वहाँ पर बंद हो रहा है, फ्लाइट छूट जाएगी। जैसे कई बार आप ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे हो, रिक्शे वाले के साथ झड़प हो गया, या आप गाड़ी में जा रहे हो, किसी ने आपकी गाड़ी को खरोंच मार कर चला गया, उतर यहाँ, तू यहाँ पे पहले, मैं तेरे खानदान को भी सामने लाता हूँ। वहाँ पे ट्रेन छूट रही है और यहाँ पे इसके साथ उसने फाइनली उसने बोला मेरी गलती है भाई, भाई साहब मैं आपको पूरा भरपाया देता हूँ, नहीं मैं उठक बैठक कर लेता हूँ, मुर्गा बन जाता हूँ। हाँ बस एकदम दिल शांत हुआ, मैं जीत गया। किससे? उस रिक्शे वाले से जिसने खरोंच मार कर गया था मेरी गाड़ी पर, उससे मैं जीत गया। और वहां पर सब लोग खड़े हैं, सबको दिखा रहा है, जीत गया, निकालो वीडियो निकालो इसका। स्टेशन तक पहुंचे, ट्रेन चली गई। सम बैटल्स यू शुड लूज इन ऑर्डर टू विन द रियल वॉर। डेफिनेटली इसका मतलब ये नहीं कि हर युद्ध आपको हारना ही है या पलायन करके जाना है। डेफिनेटली सम बैटल्स यू हैव टू विन, जैसे कि भगवान कहते हैं गीता के अंदर कि हमारे मन और हमारी इंद्रियों के ऊपर हमें ही विजय प्राप्त करनी है। कौन सा शब्द है आज के श्लोक का? यत चित्तात्मा। और एक और मुद्दा इसमें, कई ऐसे युद्ध होंगे जो आप हैंडओवर कर दो किसी को। जैसे भगवान रणछोड़ राय बने, तो रणछोड़ राय भगवान बने उसमें, उस पर्टिकुलर लीला में भगवान जरासंध, जो जरासंध से भगवान ने 17 बार उसको हराया, उसके पश्चात भगवान की कुछ और योजना थी, भगवान रण छोड़ कर निकल लिए। और फिर वो जो महाराज मुचकुंद की कथा है, कौन सा डीमन था जो भगवान के पीछे भाग रहा था? काल्यवन। काल्यवन वो भगवान के पीछे पीछे भाग रहा है और भगवान ने उस समय काल्यवन का संहार खुद नहीं किया, करवाया। ये क्या है? यू नीड टू हैंड इट ओवर समटाइम्स टू अदर्स। जैसे मुझे याद है, मैं जब परम पूज्य राधानाथ महाराज की सेवा में था, बहुत साल पहले की बात है, तो बेलगाम में रथ यात्रा, इस्कॉन की रथ यात्रा के लिए राधानाथ महाराज को बुलाया गया था प्रवचन देने के लिए। तो मैं उस समय उनके साथ था, तो बड़ा पंडाल सेटअप किया था और थोड़ी बारिश भी हो रही थी। तो जैसे ही महाराज, अब सन्यासी हैं तो उनका सन्यासी डंडा लेकर महाराज पंडाल में प्रवेश ही करने वाले थे, तो वहाँ जितने हजारों की संख्या में जो आए हुए थे, वो सब ऐसे तेजस्वी सन्यासी को देखने के बाद वो पैरों पर गिरने लगे और आगे ना जाने दे, पैर पकड़ रहे हैं, आगे भी नहीं जाने दे रहे हैं। और वहाँ पर उनको वो स्टेज तक पहुँचना है, तो उन्होंने क्या किया, वो सन्यासी दंडा, मैं पीछे था, मुझे दे दिया हाथ, मुझे हाथ में दे दिया और वो साइड से निकल लिए और स्टेज के पीछे चले गए और मुझे क्या कहा, तुम यहीं से आगे आना। मेरे हाथ में वो सन्यासी दंडा, ये लोग सब जो नीचे झुके हुए ऊपर उठे देख रहे हैं। जब दंडवत किया था तो कोई और था, ऊपर उठने के बाद ये कोई और, लेकिन हाथ में सन्यासी दंडा है, फिर से दंडवत करते हैं, तो दूसरे आ गए हैं शायद। और उसके पश्चात अब मैं वहां से निकल ना सकूं, बोल दिया वो दंडा किसको मैं दूं, हाथ में दंडा, तो जितने फिर वहां से मुझे निकलना है। तो इसमें मुझे वो मुद्दा याद आया, समटाइम्स यू नीड टू हैंड इट ओवर टू अदर्स। कि बहुत बार आपके जीवन में ऐसी ऐसी समस्याएं आएंगी कि आपके अंदर उसकी काबिलियत नहीं होगी उन समस्याओं का समाधान देने की।
तो जरूरी नहीं है कि हर एक मुद्दा आपके घरेलू समस्या या सामाजिक समस्या के लिए आप ही मसीहा हैं, हाँ, आप ही नहीं चुने गए, बहुत सी और एजेंसीज हैं, हैंड इट ओवर टू देम टू फाइट। इसलिए देखिए, भगवान ने भी भगवत अपना महाभारत के युद्ध में कि अलग अलग तरीके से भीम को कहाँ इस्तेमाल किया, घटोत्कच को कहाँ इस्तेमाल किया, अर्जुन को कहाँ, युधिष्ठिर महाराज को कहाँ, तो भगवान जानते थे कि कौन सा युद्ध किसके साथ लड़वाना है, कौन किस में कुशल है, कौन किसके लिए काबिल है, कौन सा समय उचित है। सो विच मीन्स बेसिकली ये जो पूरा स्लाइड आप देख रहे हो, इसका मैसेज ये है, चूजिंग योर बैटल्स वाइजली मीन्स द टाइम द प्लेस वेदर यू आर द वन अपॉइंटेड टू फाइट दैट वॉर और द बैटल, फाइंड दैट आउट। ये सब कुछ देखभाल कर कर उसे कहते हैं सही युद्ध कुशलता। तो यहाँ पर इसी के कनेक्शन में ये एक मुद्दा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे, फाइटिंग वर्सेस स्विचिंग। ये क्यों मैंने यूज़ किया है ये टर्म, क्योंकि हम सब कलयुग के लोग हैं, कलयुग में टीवी के आदि हैं या रिमोट इस्तेमाल करने के आदि हैं, है ना। तो हम सब ने टीवी का अनुभव किया है, आजकल का टीवी जिसके अंदर इतने चैनल्स होते हैं, रिमोट भी बड़ा सारा होता है। तो आप देखो, रिमोट में सबसे ऊपर वाला बटन कौन सा होता है, ऑन ऑफ का, सबसे ऊपर वाला बटन ऑन ऑफ का है। तो आपने ऑन किया टीवी को, और जो चैनल हो सकता है पिछले दिन आप देख रहे हो वही चैनल फिर से शुरू होता है, हा? तो वो चैनल में कुछ और प्रोग्राम आ रहा है, रात में आप जो देख रहे थे, पिछले दिन जो देख रहे थे, अब वो नहीं आ रहा होगा, वो चैनल में कुछ और आ रहा है, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया, वो शक्लो सूरत पसंद नहीं आई जो भी वो चैनल। तो दो ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, वापस से वो सबसे पहला वाला बटन दबा दो, ऑफ, बहुत शांति मिलेगी। लेकिन अक्सर 99% क्या करते हैं लोग, चैनल, क्योंकि उसके नीचे जो चैनल चेंजर है वो क्या है। और कई बार होता क्या है कि मैंने एक्सपीरियंस किया है, जब कई घरों में टीवी चल रहा होता है तो मैं थोड़ा टीवी को नहीं देखकर जो टीवी को देख रहा है उसकी साइकोलॉजी को एग्जामिन करने की कोशिश करता हूँ। तो मान लो कि कोई न्यूज़ चैनल शुरू हो गया और न्यूज़ चैनल में दिखाया जा रहा है बंदे ने बाइक पर किक मारी और बाइक पर आग लग गई, वो सीन दिखाया जा रहा है, उसके अंदर वो इतना मशगूल हो गया कि उसे आगे चलकर कुछ पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आगे की न्यूज़ क्या है, लेकिन उसमें वो अपना दिमाग लगाने की कोशिश कर रहा है। फिर वो चैनल चेंज करता है तो कोई मूवी कहीं चल रही है और बीच में कोई मूवी का ऐसा सीन चल रहा है, उसको कुछ पता नहीं कि ये मूवी का नाम क्या है, क्या प्लॉट है, लेकिन वो सीन उसे अच्छा लगा तो उसे समझने की कोशिश कर रहा है। दिस इज लाइक फाइटिंग टू अंडरस्टैंड। और इतनी मेहनत करने के बाद फिर फाइनली उसका आधा घंटा चला गया और उसे पता चला कि अरे ये तो बकवास मूवी। तो ये टर्म मैं क्यों यूज कर रहा हूं कि यू कैन स्विच, स्विच टू समथिंग विच इज बेनिफिशियल rather than fighting trying to understand which is not for you। एक पति घर पर आता है शाम के समय, आते ही टीवी के सामने जो सोफा है बैठ जाता है, रिमोट हाथ में लेता है, अपनी पत्नी से कहता है शुरू होने से पहले ठंडा पिलाओ, शुरू होने से पहले ठंडा पिलाओ। तो ठंडा शरबत लेकर आती है, तभी उसको उसके फ्रेंड का फोन आता है, पूछता है शुरू हुआ, बोला तू ठंडा लिया, बोला नहीं,
मतलब मेरे पास ठंडा है, तो फिर ये फिर से पूरा पी लिया इसने, शुरू होने से पहले ठंडा पिलाओ, तो एक और ग्लास। वहाँ से उसके फ्रेंड का फ़ोन आते जा रहा, शुरू हुआ, इसने पूछा वहाँ पे शुरू हुआ। तो फाइनली ऐसे 3-4 ग्लास शरबत के पीने के बाद पत्नी कहती है, चल क्या रहा है तुम्हारा, ये तुम्हारा जीवन रहेगा ऑफिस से आने के बाद, ये सोफे पे बैठ कर ये पी कर खा कर मोटे फैल रहे हो रायते की तरह, आलसी बो हो रहे हो। तुरंत इसने अपने फ्रेंड को फोन लगाया, शुरू हो गया। तो समटाइम्स यू हैव टू स्विच रादर देन फाइटिंग। ये मुद्दा कहाँ से आया है, ये महाभारत में व्यासदेव जी, जिसको हमने अंग्रेजी में इसको ट्रांसलेट किया है, माइंडलेस बैटल्स ओनली गिव्स बर्थ टू अनप्रोडक्टिव विनर्स एंड यूजलेस लूजर्स। कि जो युद्ध या जो बैटल्स हमारे लिए नहीं निर्धारित, तो ये कहां से मुद्दा है, जब अभिमन्यु का वध हुआ और अभिमन्यु का वध बहुत ही नृशंस तरीके से, नाजायज तरीके से हुआ। हम सब जानते हैं अभिमन्यु केवल 16 साल के थे और चक्रव्यूह में उन्हें फंसाया गया था और 6 योद्धा घेर कर अभिमन्यु को, सारे युद्ध के नियम तोड़ते हुए अभिमन्यु को उन्होंने मार डाला। तो अभिमन्यु के वध के पश्चात अब तक अर्जुन को ये समाचार नहीं मिला था, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अर्जुन को ये समाचार नहीं मिला। तो युधिष्ठिर, क्योंकि युधिष्ठिर इनको जाना था उस चक्रव्यूह में और इन्हें पता नहीं था, तो इसलिए अभिमन्यु को भेजा गया। और सोचिए युधिष्ठिर जो कि सबसे ज्येष्ठ भ्राता, अर्जुन के बड़े भाई, और अपने छोटे भाई के बेटे को क्या लग रहा है, सबके सामने मरवा दिया अपने स्वयं की जान बचाने के लिए, अपने छोटे भाई के बेटे को मरवा दिया। सोचो युधिष्ठिर महाराज जैसे धर्मराज क्या बीत रही होगी उनके दिल पर। तो युधिष्ठिर निकल गए कि मैं बदला लूंगा और मैं सबको अभी इसी दिन पूरी कुरुसेना को मैं खत्म करके आता हूं। तब व्यासदेव वहां पर आते हैं, सोचिए रणभूमि पर व्यासदेव जी आते हैं और व्यासदेव जी वो युधिष्ठिर महाराज को रोकते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये आवश्यक नहीं है, ये युद्ध या ये बैटल इट्स नॉट मेंट फॉर यू टू फाइट, अर्जुन उसका बदला लेंगे, अर्जुन के लिए ये निर्धारित है। तो उस समय व्यासदेव जी कहते हैं, व्हेन यू फाइट वॉर्स विच आर माइंडलेस देन दैट गिव्स बर्थ टू अनप्रोडक्टिव विनर्स एंड यूजलेस लूजर्स, बिकॉज इवन इन लूजिंग देर कैन बी सम यूजफुलनेस। और विनिंग में तो प्रोडक्शन होगा ही, परंतु माइंडलेस बैटल्स अगर हैं तो उसके अंदर किसी का कुछ भला नहीं होने वाला है। इसलिए आज के दौर पर पीसफुल सोसाइटी कभी नहीं हो पाएगी। जो कई बार कहते हैं ना कि पूरी सोसाइटी पीसफुल हो, नहीं, अरे हमारे शरीर के अंदर युद्ध चल रहा है हर क्षण। हमारा जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो बैक्टीरिया वायरसेस के साथ युद्ध कर रहे हैं, कैंसर सेल्स के साथ हमारा शरीर युद्ध करते रहता है, बीमारियों के साथ, तो ये तो कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो भगवद गीता का सिद्धांत क्या है, भगवद गीता का सिद्धांत है कि तुम अपने युद्ध का चयन करो, सही युद्ध का चयन करो, सही तरीके से, सही चेतना में,
और सही परिणाम के लिए, सही नतीजे के लिए उस युद्ध को लड़ो। तो आपको हम एक कार्टून दिखाएंगे, बचपन में हमने ये सब बहुत देखे होंगे, टॉम एंड जेरी वाला कार्टून। तो मैं जब ये आज प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने सोचा, बचपन में हम ये टॉम एंड जेरी, पता नहीं आप लोग देखते थे क्या, तो टॉम एंड जेरी क्या है, बिल्ली और चूहा, बिल्ली और चूहे की लड़ाई। तो उसके अंदर एक बच्चा वो इतना ज़्यादा मशगूल हो जाता है, क्योंकि क्या दिखाया जाता है कि कैसे वो बिल्ली जो है वो चूहे के ऊपर विजय प्राप्त करने की कोशिश कर रही है ना, और चूहा जो है वो कैसे उस बिल्ली से बचकर, वो डॉज कर चूहा अंत में विजयी होता है। तो जब हम उसको देखते हैं, देखते समय, अभी भी आप देखोगे, देखते समय आपको लगेगा कि हाँ इसको ऐसा करना है, उसको ऐसा करना चाहिए। फाइनली प्रश्न बड़ा क्या है, व्हाट इज द आउटकम, बिल्ली चूहे के ऊपर विजय प्राप्त कर ले या चूहा बिल्ली के ऊपर विजय प्राप्त कर ले, उसका आउटकम क्या है, तो ये वीडियो के पश्चात उसकी चर्चा हम करेंगे। अरे बोल, पता नहीं किसके लिए थी ताली है। तो देखिए, कई बार जैसे हम उस मुद्दे पर हैं, माइंडलेस बैटल्स, ये मैं आपको इसलिए दिखाया, एक बार मुझे एक प्रश्न पूछा था, अच्छे खासे सीरियस सेमिनार के पश्चात एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, व्हाट डू यू थिंक इफ देयर इज अ बैटल बिटवीन एलिफेंट एंड एन एंट, हु विल विन, एक हाथी और चींटी की यदि स्पर्धा हो तो कौन जीतेगा उसमें। तो मैंने कहा, इसका अगर मैं आंसर दूंगा ना तो तुम जीते, क्योंकि ये बेवकूफ़ी वाला क्वेश्चन है, मैं हार जाऊंगा। तो ये क्या क्वेश्चन है और तुम क्यों पूछ रहे हो, और इसका आंसर भी मिलने के पश्चात तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, तुम्हारे जीवन के उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए क्या मिलेगा इसमें से, कि चाहे चींटी जीते या हाथी जीते। तो हमारा जो मन है वो क्या करता है, मेक्स अस सीरियस अबाउट फ्रिवलस एंड फ्रिवलस अबाउट द सीरियस, कि जो सबसे बेकार की चीज़ है हमारी ज़िंदगी की उसको सबसे महत्वपूर्ण बना के पेश करेगा, और जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होगा उसको इस प्रकार से पेश करेगा कि अरे ये नहीं भी किया तो क्या। जैसे हमारे कॉर्पोरेट सेमिनार में हम ये उदाहरण देते हैं कि मानो एक बंदा घर पर आया ऑफिस के पश्चात, और उसके घर के दरवाजे पर नोटिस है कोर्ट का कि 24 घंटे में तुम्हारा घर जो है वो सरकार छीन लेगी, सीज करने वाली, 24 घंटे में, 24 घंटे का टाइम है तुम्हारे पास। वो नोटिस उसको मिला कोर्ट का, और शाम के 7 बजे उसका जो फेवरेट टीवी सीरियल बस आधे घंटे में शुरू होने वाला है, और उसी समय उसके फ़ोन पर मैसेज आता है उसके गर्लफ्रेंड का कि आज मूवी के लिए चलें, लेटेस्ट मूवी के लिए चलें। तो अब आप मुझे बताइए कि आप यदि उसके जगह पर होते तो आप कौन से चीज़ को सीरियसली लेते, अरे भाई टीवी सीरियल आ रहा है पहले वो देख लेते हैं, हाँ गर्लफ्रेंड बुला रही है मूवी के लिए वो देख लेते हैं, नहीं तो दूसरी मूवी देखनी पड़ेगी, हाँ
या जो कोर्ट का नोटिस आया है उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। तो मन हमारा क्या करता है, मन हमें कन्विंस कर देता है, अरे 24 घंटे हैं और ये जो सीरियल अभी आने वाला है, ये सीरियल तो वापस आने नहीं वाला है ये पूरे एक हफ्ते तक, और फिर तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुलसी ने मेहर के साथ क्या किया। सास भी कभी बहू थी, ससुर भी कभी दामाद था, छाछ भी कभी दही थी। प्रायोरिटाइजिंग, इसलिए विनिंग इनर बैटल्स, इसके अंदर हमारे मन को किस में ट्रेन करना है। जैसे यहां पर आकर हम भगवद गीता से क्या सुन रहे हैं कि भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन तुम केवल ये इन योद्धाओं के मरने के पश्चात इनके संतान का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, तुम केवल बस इसी दायरे में देख रहे हो। अरे मैं यहाँ पर पूरे धर्म की स्थापना करने के लिए जब युधिष्ठिर महाराज राज्य करेंगे तो पूरा विश्व धार्मिक बनेगा, मैं उतने ऊपर की सोच रहा हूं, और तुम किसके विषय में सोच रहे हो। तो फिर ये जो इनर बैटल्स, तो हमारे आंतरिक युद्ध की ये तीन स्टेजेस या ये तीन एस्पेक्ट्स अगर हम कहें तो एक है कि कई ऐसे हमारे अंदर की लड़ाई होगी जिस लड़ाई को हमें केवल टॉलरेट करना है। जैसे होते हैं ना छोटे बच्चे जो होते हैं वो घर पर वो बहुत सी ऐसी बातें बोलेंगे, इसलिए मैं हाल ही में मैं घर पर था तो वहाँ पर माता पिता कह रहे थे कि ये जो बच्चा है ये हमारी बात नहीं सुनता, है ना। एक वेरी टिपिकल शिकायत होती है ना बच्चों को लेकर कि ये बात नहीं सुनता। तो मैं उसके विषय में सोच रहा था कि बच्चे जो हैं वो बात नहीं सुनते और बूढ़े उनको सुनाई नहीं देता, और बीच में सुनना नहीं चाहते। तो अब जैसे छोटे बच्चे वो लोग पता नहीं क्या कुछ कहाँ से क्या कनेक्ट करके बोलते हैं, जो बड़े होते हैं घर के वो कई बार क्या करते हैं, सुना अनसुना करते रहते हैं ना। जैसे मैं अभी मेरे पिछले यूके विजिट में एक घर पर एक छोटा 6 साल का 7 साल का तो वो शतरंज थोड़ा सीख लिया था उसने, चेस, तो मेरे साथ खेलना चाह रहा था। तो नया उसको बर्थडे गिफ्ट मिला था तो उसने पूरा लगाया और मुझे कहा कि प्रभु जी आपके साथ खेलना है, मुझे बहुत सुना है आपके बारे में, हराना है, चलो देखते हैं कितनी बुद्धि है आपकी। तो मैंने कहा ठीक है। तो अभी जो आप लोग शतरंज थोड़ा जानते हो कि शतरंज की चालें कैसी होती है पीसेस के, तो उसमें अच्छा वो खेल रहा था तो जो घोड़े की चाल, अब हम जानते हैं कि घोड़े की चाल शतरंज में कैसी होती है, एल शेप में होती है कि वो उसके स्क्वायर से एल शेप में चौथे स्क्वायर तक जा सकता है, किसी दूसरे पीस के ऊपर से जा सकता है। तो मैंने अपने घोड़े की चाल चली, उसने अपना घोड़ा उठाया और 8वें स्क्वायर पे रखा। तो मैंने कहा भाई ये थोड़ी रूल के अनुसार घोड़ा ऐसे थोड़ी चल सकता है 8वें स्क्वायर पे, वो 4थे स्क्वायर पे तुमको रखना। प्रभु जी मेरा घोड़ा है। मैंने कहा मतलब वो आपका कमज़ोर है, वो 4 ही स्क्वायर पर जाता है, मेरा तगड़ा है, वो 8 स्क्वायर पर जा सकता है। तो अभी आप ऐसे बच्चे को क्या बोलोगे, हाँ इसमें कोई लॉजिक है क्या? कि मेरा घोड़ा तगड़ा है आपके घोड़े से। तो इसलिए कई बार क्या होता है कि हमारा जो आंतरिक मन है वो मन जो है उसको उसकी बातें कहीं अनसुनी करनी पड़ती है, टॉलरेट, कई बार उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है।
कोई कहता है, बच्चा कहता है नहीं मुझे खेलना है, खेलना है, मेरे साथ खेलो, मेरे साथ क्रिकेट खेलो, ये खेलो वो खेलो, मेरी बात सुनो, तो कई बार माता पिता को अपना इम्पोर्टेंट काम छोड़कर कॉम्प्रोमाइज़ कर कर उसके साथ, तो समटाइम्स यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज विथ योर माइंड एंड सेंसेस विथ योर इनर एनिमीज, बट समटाइम्स एंड मेनी टाइम्स यू हैव टू अटैक, नो टॉलरेटिंग, नो कॉम्प्रोमाइज, सिंपली अटैक। तो ये मुद्दे हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पांडवों ने ये तीन स्ट्रैटेजीज अपनाई। ये तीनों मुद्दे महाभारत से हैं बाय द वे, टॉलरेटिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग और अटैकिंग। तो आप देखो, जब बचपन में भीम को जहर पिलाया गया, किसने, दुर्योधन ने, वो अलग बात है कि भीम उसके पश्चात और शक्तिशाली बनकर निकले, परंतु ये बात साबित हो गई थी कि दुर्योधन के सारे कार्य थे। परंतु युधिष्ठिर महाराज ने क्या कहा, भीम को टॉलरेट, ये हमारे परिवार के अंदर की बात है, इसे बाहर मत निकालो। उस समय युधिष्ठिर महाराज ने भीम और अन्य अपने भाइयों को कहा, सिंपली टॉलरेट। फिर आगे चलकर स्वयं साक्षात भगवान कॉम्प्रोमाइज के प्लान को, प्रपोजल को लेकर गए दुर्योधन के सामने, बड़े होने के बाद कि समझौता कर लेते हैं, 5 गांव दे दो बस, शहर भी नहीं मांगे, हस्तिनापुर तो मांगा ही नहीं, तू रख ले हस्तिनापुर, इतना तू उसके पीछे आ सकता है, तू रख ले हस्तिनापुर, शहर भी नहीं, 5 गांव दे दो समझौते के लिए रेडी। फाइनली जब द्रौपदी का अपमान हुआ, व्हेन द्रौपदी वॉज अटेम्प्टेड टू बी डिसरोब्ड, उस समय जिसको कहते हैं ना, पानी सर से ऊपर चला गया, अब युद्ध, अब तुम सबको अपने प्राण खोने होंगे। तो ये हैं 3 स्ट्रेटजीज इनर बैटल को भी जीतने की, याद रहेगा, टॉलरेटिंग सम बैटल्स, कॉम्प्रोमाइजिंग इन सम बैटल्स एंड अटैकिंग एंड विनिंग दोज बैटल्स। इसलिए अर्जुन के अंदर का जो ये युद्ध चल रहा था, द इनर बैटल विद इन अर्जुन, अब कल्पना कीजिए कि इस सीन को कौन सा सीन है ये, मतलब कुरुक्षेत्र की रणभूमि, 64 करोड़ योद्धा से भी ज़्यादा एकत्रित हुए हैं, इतनी बड़ी रणभूमि, और शंख बज चुके हैं, और उसके बीच में अर्जुन उसके पश्चात अपने रथ को बीच में लाने के लिए कहते हैं, दोनों सेनाओं के बीच में, और भगवद गीता की चर्चा चल रही है जो हम लोग अभी कर रहे हैं, ये सब चर्चा कहाँ किस समय चल रही है, शंख बजने के पश्चात। इमेजिन करो कि अगर अभी का एग्जाम्पल आपको दें, इंडिया पाकिस्तान मैच, फाइनल मैच, खचाखच स्टेडियम भरा हुआ है, मतलब कुछ 50,000 लोग स्टेडियम में, और पूरा लाइव टेलीकास्ट वर्ल्ड वाइड चल रहा है, सब लोग, मैच शुरू होने वाला है, और अब इंडिया की बैटिंग शुरू होने वाली है, केवल 20 ओवर का मैच है, और उस समय जो स्ट्राइकर है वो नॉन स्ट्राइकर के पास जाता है, हाँ, टॉस हो गया, टॉस हो गया मतलब शंख बज गए, हाँ, कंपैरिजन किससे हो रहा है, पांडव कुरु मतलब इंडिया पाकिस्तान मैच, हाँ, और पूरा स्टेडियम, 64 करोड़ योद्धा, टॉस हो गया, शंख बज चुके हैं, और अब स्ट्राइकर नॉन स्ट्राइकर वो लोग पिच के बीच में आते हैं, सेनयोर उभयोर मध्य, पिच के बीच में आते हैं, और बातें शुरू किया उन्होंने, बातें कर रहे हैं, किए जा रहे हैं, पूरा स्टेडियम क्या सोचता होगा, क्या चल रहा है इनका,
तो ऑब्वियसली सारा स्टेडियम चुप अगर रहा है तो वो क्या सोच रहा होगा कि बहुत इतना इम्पॉर्टेंट कुछ डिस्कशन करने के लिए होगा, तब तो जाके ऐसे क्रूशियल टाइम पर जब सब लोग आस लगाए हुए इस मैच के देख रहे हैं, इन्होंने मैच को रुकवा दिया, अंपायर को रुकवा दिया, बॉलर रेडी है, उसको वहाँ पे रन अप लेके रेडी है, बॉल घिस रहा है उसको रुका दिया, और ये लोग पिच के बीच में आके अगर कुछ डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ होगा ना। ये तो नहीं पूछ रहे होंगे क्या भाभी ने नाश्ते में बनाया आज, हाँ क्या खा के आए भाई, हाँ अच्छा तू पराठे खा के आए, मुझे तो खाली दलिया खिलाया आज, और सब ठीक चल रहा है, बच्चे बच्चे सब स्कूल वूल में सब ठीक, ये थोड़ी डिस्कस कर रहे होंगे वो लोग। तो क्या समझ में आ रहा है कि अर्जुन इतना अंदर वो भरे हुए थे कि इतने क्रूशल मोमेंट पे सबको रुकाए हुए अर्जुन भगवान को पूछ रहे हैं कि बताओ ये युद्ध मुझे क्यों लड़ना चाहिए। तो ये अर्जुन का जो इनर बैटल, इस इनर बैटल को जीतने के लिए भगवान ने ये पूरी भगवद गीता जो सुनाई, सबको रुकवाया, सब खड़े हो जाओ, कोई यहाँ पर कुछ नहीं करेगा, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है अर्जुन के आंतरिक योद्धाओं के ऊपर विजय प्राप्त करना। और उसके चलते भगवान ने इस श्लोक में जो शब्द इस्तेमाल किया, निराशिर यत चित्तात्मा, हम अब उसी मुद्दे पर पिछले 3 वेडनेसडे से चर्चा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। तो हम धीरे धीरे भगवद गीता से सीख रहे हैं कि कैसे हमें हमारे आंतरिक शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। और आज का जो विशेष मुद्दा हमने लिया, चूजिंग योर बैटल्स वाइजली, नॉट ऑल बैटल्स आर सपोज टू बी फॉट, कौन से सबसे महत्वपूर्ण, कोर्ट का नोटिस वो एग्जाम्पल याद रखना कि हम सब के ऊपर प्रकृति ने, काल ने कोर्ट का नोटिस डाल दिया है, रिकामा करा, ये घर रिकामा करना है, कोर्ट ने नोटिस डाल दिया। और क्या नोटिस? जब बाल सफेद होने लग जाते हैं, ये दांत गिरने लगते हैं, जोड़ों में दर्द इत्यादि वगैरह, क्या है ये सब नोटिस है, ये सब नोटिस है कि ये मकान खाली करना है, टाइम आ रहा है। उस समय मिहिर ने तुलसी के साथ क्या किया, सास बहू के बीच में क्या चल रहा है, पड़ोसी के मोहल्ले में क्या चल रहा है, ये सब में टाइम बर्बाद मत कीजिए। क्या कीजिए? बुधवार के कार्यक्रम में आइए। और जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि कैसे उस कोर्ट नोटिस को आपको सही मायने में अटेंड करना है। तो इस चर्चा में जब आप रुचि लेना प्रारंभ करेंगे तो वहाँ से शुरुआत है, आप अपने आंतरिक शस्त्र उठा रहे हो, इस यत चित्तात्मा, अपने अंदर के शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।